स्क्वाट कहाँ है, तुम बताओ। क्या हो रहा है? बोलो क्या बोलना है? क्या बोला? चीटा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, चीटा Hello, friend. My name is Nana. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप अभी नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मैं बना रही हूँ टमाटर की खट्टी खट्टी वाली चटनी जो होता है ना, तो वो वाली। तो इसे आज मैं तवा पर बना रही हूँ। वैसे तो मैं हमेशा जो है वो आग पर पका करके बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि तवा पर मैं बनाऊं, तो इसलिए इसे मैं तवा पर रख दी हूँ। रोटी बनाई हुई थी तवा पर, तो उसे थोड़ा सा मैं तवा को धो ली हूँ। और उसके बाद भी टमाटर तवा गर्म था तो ज़्यादा गर्म करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। टमाटर मैं काट करके 3 टमाटर जो है वो डाल दी हूँ और उसके बाद ढक दी हूँ, तो ये बहुत अच्छे से मतलब गल जाता है। लेकिन आग पर जो बनाते हैं ना, उसका टेस्ट जो है सोंधा सोंधापन वो इसमें नहीं आता है, बस पक जाता है खूब अच्छे से। इतना अच्छे से आग पर नहीं पकता, आग पर पकता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इतना अच्छे से पकने में, लेकिन ये बहुत अच्छे से गल जाता है। लेकिन ये भी टेस्टी लगता है गर्मा गर्म खाइए तो, बाकी ठंडा होने पर खाइए तो उतना टेस्टी नहीं लगता है। तो वही मैं ये सार को निकाल के इसके छिलके और इसको मैश कर दूंगी, और तवा पर ही मैं मैश कर दे रही हूँ कि तवा तो अब धुलने में ही जाएगा क्योंकि रोटी सारी बन गई है तो अब रोटी का ज़रूरत नहीं है, तो इसकी वजह से। और अगर रोटी भी बनाना होगा तो तवा को धुलना ही पड़ेगा, इसलिए तवा पर ही मैं ये कर दे रही हूँ। और अभी बहुत गर्म है तो इसको बहुत अच्छे से ये मैश हो जा रहा है। इसके बाद इसमें मैं लहसुन और नमक और तेल ये सब डालेंगे, और डाल करके फिर सिंपल जो चटनी रहता है वो टमाटर की चटनी बन के तैयार हो जाती है। तो इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो वाला टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है टमाटर को जो आग पर भूनते हैं उसका टेस्ट। तो अब इसको हम निकाल लेंगे दूसरे कटोरी में। और ये क्या कहते हैं, कुछ खट्टी चीज़ अगर लोहे के बर्तन के ऊपर रखा जाए तो कितना अच्छा सा तवा एकदम क्लीन हो गया है, एकदम तो तवा एकदम साफ हो जाता है। चलिए यहाँ पर मिक्स कर ले रही हूँ मैं जो नमक और सरसों तेल है, कच्चा सरसों तेल बहुत अच्छा लगता है इसमें, तो वही मिक्स करके और फिर इधर कटोरी में निकाल देंगे। तो ये जो है हमारा टमाटर का चटनी तैयार हो गया है, और साथ ही साथ तवा भी मेरा क्लीन हो गया है। तो नाश्ता तो हमारी हो चुकी है, ये तो अब लंच में ही होगा, और लंच में अभी टाइम है। तब तक मैं शाम में कल मटर लाई थी और बहुत सारा सब्जी लाई थी, तो उसी में अदरक है तो अदरक भी धो के और रख लेते हैं। और इसके बाद फिर ये मटर जो है इसको छीलना भी एक टास्क हो जाता है, तो 2 kg मटर मैं लाई थी क्योंकि मटर एक तो कि सारे सब्जियां जैसे है तो यूज हो जा रहा है, और दूसरी बात है कि अगर मटर ऐसे ही फ्राई करके खाने के बने तो वो भी है, और कार्तिक को मटर की कचौड़ियाँ खाने का मन हो रहा था तो वो भी है। सारी चीज़ें मतलब मटर का मल्टीपर्पस यूज होता है, आजकल तो हर एक सब्जी में मटर डाल दीजिए बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं प्याज फ्राई कर ली हूँ, और लहसुन जो है वो मैं पहले डालना भूल गई थी तो इसलिए मैं बाद में डाल दी हूँ। उसके बाद फिर टमाटर और मटर डाल दी हूँ, तो टमाटर और मटर डाल करके थोड़ा देर, क्योंकि टमाटर अभी जो है ताजे वाले हैं तो थोड़ा टमाटर पकने में भी टाइम लेंगे, तो इसलिए मैं टमाटर और मटर एक साथ डाल दी।
तो अब टमाटर हमारा अच्छे से भुना गया है और थोड़ा गल भी गया है, तो नमक डाल देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, तो उसको इस तरीके से मैं बना रही हूँ और ये बहुत टेस्टी लगा है। तो एक दिन मैं मतलब ऐसे ही बचा हुआ था बहुत सारा बैंगन का भरता, क्योंकि विंटर में हमारे यहाँ बैंगन का भरता भी बहुत खाया जाता है, तो बचा हुआ था बैंगन। तो ऐसे ही मैं ट्राई की और मतलब जानती तो मैं बहुत दिनों से थी, लेकिन ट्राई कभी नहीं की थी। तो ऐसे मैं ट्राई की और बहुत टेस्टी लगा, इतना टेस्टी लगा ना कि हमारे यहाँ सब जो दाल फ्राई के साथ कोई नहीं खाया, बैंगन के भरते के साथ ही सबको मतलब रोटी पसंद आया। दाल फ्राई तो खाए ही, लेकिन बैंगन का भरता जो है वो सबसे टॉप पर था। तो इस तरीके से बैंगन का भरता बहुत टेस्टी बनता है। तो ये हमारा बैंगन का भरता तैयार हो गया है और अब हम आ गए हैं सीधे सीधे शाम में। और ये शाम का वक्त है और खाना वगैरह सब हम लोग का हो गया है। अब मुझे किचन में थोड़ा काम था, तो मैं सोची किचन से बैठ लेती हूँ, लेकिन ये मावा बचा हुआ था खोया, जो कि मार्केट से आया था और गाजर के हलवे में डालने के लिए, तो थोड़ा बच गया था। तो मैं बोली कि घर गाजर का हलवा दोबारा जब बनेगा तो फिर मंगवा लेंगे, ये बचा हुआ है इसका पेड़ा बना ले रही हूँ। तो इसका पेड़ा और खोआ बहुत अच्छा था। तो थोड़ा सा पानी में डाल दी हूँ कढ़ाई में ताकि जले नहीं, और उसके बाद फिर इसको अच्छे से तोड़ तोड़ के मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी देर में क्या होगा कि खोआ गर्म होगा तो ये ऑटोमेटिक जो है वो मिक्स हो जाएगा, तो तोड़ लेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए तोड़ के, और हाँ ये लो फ्लेम पर ही ये कर लिए थे। ये देखिए हमारा जो है वो पूरे अच्छे से मिक्स हो गया है खोया। अब इसको थोड़े से अच्छे से भुनाई कर लेंगे खोआ का, क्योंकि पानी भी डाले हैं और थोड़ा सा हमारे यहाँ ना भुना हुआ ही खोआ मतलब कि अच्छा लगता है पेड़े में हमारे यहाँ सबको, तो इसकी वजह से थोड़ा भून लेंगे। और जो जो इसका गांठ वगैरह पर है उसको भी लगातार तोड़ते जाएंगे ताकि एकदम स्मूथ हो जाए। तो वही यहाँ पे अच्छे से भून ले रहे हैं। और इसमें ना बहुत अच्छा खोया था, इसमें हमें मतलब घी वगैरह बाहर से डालने का जरूरत नहीं पड़ा। अच्छा था कि इसमें मतलब हाथ में जब मैं पेड़ा बना रही थी तो हाथ में मेरा बहुत ज़्यादा घी लग रहा था। और यहाँ हो गया है तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चीनी। तो चीनी मतलब अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, मेरे पास खोया कम था तो लगभग मैं 2.5 चम्मच के लगभग बड़ा चम्मच से चीनी मैं डाली हूँ, क्योंकि इतना में हो जाएगा। और उसके बाद फिर थोड़ा इसको पका लेंगे। तो पकाने पर इसका कलर जो है ना वो थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। हालांकि मुझे क्या करना चाहिए था, मैं बहुत दिनों बाद, लगता है कि 1.5 साल 2 साल बाद मैं पेड़ा बना रही हूँ। हमारे यहाँ मीठा जो है वो थोड़ा कम खाया जाता है, तो इसलिए लगता है 1.5 2 साल बाद को मैं पेड़ा बना रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा पहले और खोया जो है वो भून लेना चाहिए था, उसके बाद फिर मुझे चीनी डालनी चाहिए थी, क्योंकि चीनी को बहुत ज़्यादा पकाते हैं ना तो चीनी जो है वो टाइट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं हुआ था, लेकिन पेड़ा थोड़ा कड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं हुआ था। तो इसीलिए मुझे पहले जो है वो खोया को थोड़ा और पकाना चाहिए था, उसके बाद फिर मतलब ये करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, बहुत टेस्टी बना था। इतना टेस्टी बना था ना कि उसके आगे थोड़ा सा कड़ा था तो वो ये फेल हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप खोया को खूब अच्छे से पका के बनाएंगे ना तो बिल्कुल बच्चों को मतलब लगेगा ना कि चॉकलेट खा रहे हैं इस तरीके का, और बच्चों को तो चॉकलेट जानती हैं कितना पसंद है। तो मैं फ्लेम बंद करके और इसे अब मैं चलाई हूँ, और ये हल्का जो है वो गर्म ही है, तो उतार करके जल्दी जल्दी इसको बना लेंगे, नहीं तो फिर ये क्या है कि बन नहीं पाएगा। तो हल्का गर्म हो रहता है तभी जो है पेड़ा बनाते हैं। तो फटाफट फिर पेड़ा बना ले रहे हैं। और मेरे यहाँ मीठा जो है कार्तिक को सबसे ज़्यादा पसंद है, मतलब उसे हर दिन कुछ ना कुछ मीठे में चाहिए, वो चाहे एक टॉफ़ी रहे या हलवा वगैरह कुछ भी डाल दे दीजिए। तो वो एक्चुअली उस मतलब मुझे लगता है पता नहीं चलता है,
भूख लगी रहती है, और जब भूख लगी रहती है तब वो कहता है कुछ मीठे में है, कुछ मीठा खाने का मन है, लेकिन जैसे ही उसे फिर उसका पेट भर जाता है तो फिर उसका मीठे का जो क्रीविंग है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसका सीधा ताल्लुक जो है ना वो मतलब पेट से है। छोटे छोटे यहाँ पे मैं बना रही हूँ पेड़, ताकि कार्तिक के साथ बापू भी को भी चाहिए होता है, क्योंकि जो कार्तिक करता है वही उसको भी करना होता है, एकदम सेम टू सेम। अगर वो बोलता है मम्मी तो बोलता है मम्मी, किचन में आके कार्तिक कुछ बोल के जाता है तो बापू भी किचन में आके कुछ बोल के जाता है, क्या बोलना है ये नहीं पता लेकिन कुछ बोल के जाना ही है। तो इसलिए छोटे छोटे मैं बना दे रही हूँ, क्योंकि बाबू मीठा नहीं खाता है, मतलब टॉफी वगैरह मैं दी हूँ तो वो उतना पसंद से नहीं खाता है। टॉफी मतलब खाता ही नहीं पसंद से, क्या मुझे याद ही नहीं कि टॉफी और चॉकलेट कभी खाया है, बस ले लेता है और उसको फेंक देता। हाँ बिस्किट है, वो मैरीगोल्ड बिस्किट खाता है और 50-50 खाता है, जो स्वीट एंड सॉल्टी वाला होता है ना वो, और बाकी नमकीन बिस्किट खाता है, मीठे में बस वो इतना ही खाता है। तो यहाँ पे पेड़ा मेरा बन गया था और मुझे निकालना था मक्खन, तो मैं रोज का रोज मक्खन निकाल के रख देती हूँ, तो इसकी वजह से मैं सोची कि अब ये भी काम है। सुबह में फिर बहुत मुश्किल लगता है, सुबह में ठंड ज़्यादा रखती है तो है कि, और रात में लगता है कि जितना काम हो सकता है कर लो, तो ये जो है वो मक्खन मेरा निकल गया है। और ये निकल जाता है तो फिर मक्खन लगा रखा रहता है फ्रीजर में ना, तो बढ़िया रहता है, क्योंकि आप कभी भी जैसे बोझ नहीं पड़ता है कि ढेर सारा है, तो ये थोड़ा थोड़ा निकलते जाता है, और जब मन हो तब आप घी बना ले, तो ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और लगता है कि चलो हो गया, क्योंकि दूध का पतीला है तो इसको तो धोना ही है, तो इसकी वजह से मैं रोज का रोज ही मक्खन निकाल लेती हूँ। मक्खन को हमेशा धो करके ही रखती हूँ, अच्छे से धुल जाता है ना, तो फिर घी जो है वो खूब अच्छा से बनता है। ये हमारा मक्खन तैयार।